हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स में। आज हम जो करेंगे वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा दी गई विज्ञान विषय के लिए बनाई गई 26वीं वर्कशीट, जो कि 9वीं कक्षा के लिए स्टूडेंट्स बनाई गई है और जिसकी दिनांक है 2 सितंबर 2020। तो जैसे कि हम लिखते हैं, पहले हम स्टूडेंट का विद्यार्थी का नाम लिखते हैं, अपने उसके कक्षा अध्यापक क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। जैसे कि हम अपनी पहली इकाई जो है उसको कंटिन्यू करेंगे आज भी। इकाई का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाइयां, यानी ये फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। और आज हम उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता, जिज्ञासा दीदी पौधे की पत्तियां जो होती हैं, पौधे की जबकि पत्तियां हैं उनके हरे रंग और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? मतलब पौधा हर पौधे का रंग पत्तियों का रंग हरा होता है और फूलों का रंग किसी का लाल होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का ऑरेंज होता है, कुछ अलग अलग कलर होते हैं, क्यों होता है? ठीक है, तो इसके बारे में जिज्ञासा दीदी क्या उत्तर देती है वो सुनिए। ज्ञान, हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंग है जो केवल पादप कोशिकाओं में होता है। तो देखिए, अगर मान लो कोई आपसे पूछता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका एनिमल सेल प्लांट सेल में अंतर क्या है, तो आप सीधा बोलोगे कि भाई जो पादप कोशिका प्लांट सेल है उसमें प्लास्टिड होते हैं जबकि जंतु कोशिका एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं। तो प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है, एक डबल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल है जो केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है, विच इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो आगे क्या देखते हैं, प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड क्या क्या है, प्रकार क्या है? सबसे पहला प्रकार उन्होंने बताया है ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरा प्रकार क्या बताया है? क्रोमोप्लास्ट। तो आइए ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? इसका जो रंग है या तो श्वेत या व्हाइट सफेद होगा या फिर यह रंगहीन होगा। इसके बारे में देखिए, यह अंगक पादप कोशिका में खाद्य पदार्थ कौन कौन से? प्रोटीन, स्टार्च व तेल का भंडारण करता है। मतलब अगर मैं पूछता हूँ कि प्रोटीन को, स्टार्च को और ऑयल को, यानी कि तेल को प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिकाओं में कौन स्टोर करेगा, कौन भंडारण करेगा, तो आपका उत्तर दोगे ल्यूकोप्लास्ट करेगा। तो उसके बाद अगला है आपका क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? इस प्लास्टिड में विभिन्न रंगों के वर्णक यानी कि जो आपके पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक को पिगमेंट्स बोलते हैं आप इंग्लिश में, तो जो विभिन्न ये अलग अलग कलर के जो पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, जैसे कि पीला, नारंगी, लाल इत्यादि होता है, वो होता है। ठीक है, ये पिगमेंट या क्या ये वर्ण क्या करते हैं? जो पादपों में फूल व फलों का विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, आपको विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। अब देखिए, फूलों को, फलों को रंग किसने दिया? वो दिया वर्णकों ने, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स हैं उन्होंने दिया। और वो वर्णक क्या है? वो वर्णक किसमें है? क्रोमोप्लास्ट में है। या वर्णक क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है उसे आप क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और एक क्लोरोफिल के बारे में हम स्टूडेंट पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में ये सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है एक तरीके से, और इसी के प्रेजेंस के, इसी की उपस्थिति के कारण आपके पत्ती हुआ कलर कैसा होता है? हरा होता है। तने का कलर भी हरा होता है कुछ हद तक। इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जो पत्तियों व पादप को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत को की सबसे महत्वपूर्ण जैव क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। देखिए, मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट में या क्लोरोफिल जो होता है वो ट्रैप करता है सनलाइट को, जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसने भी क्या बोला है? क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे जैव महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया यानी कि आपकी लाइफ केमिकल प्रोसेस होती है, वो कौन सी? प्रकाश संश्लेषण होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पत्तियों में या हरे पादपों में। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो हरा होता है। ठीक है, इसके भीतर पाए जाने वाली खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा, अब स्ट्रोमा कहाँ है? देखिए, मान लीजिए ये आपका क्लोरोप्लास्ट का चित्र है, तो स्ट्रोमा कहाँ है? ये है आपका स्ट्रोमा। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्रोमा आपका ये वाला एरिया जो है इसको आप स्ट्रोमा का नाम देंगे। ये जो है यहाँ पर, ये है स्ट्रोमा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, ये जो खाली पार्ट है, उसके बाद जो तरल पदार्थ मैट्रिक्स में भरा रहता है, जो एक तरल पदार्थ मैट्रिक्स से भरा रहता है जिसमें बहुत झिल्ली वाली परतें होती हैं जिन्हें
थाइलेकोइड नाम दिया इन्होंने। इन्हें क्या बोला इन्होंने, इसे इन्होंने बोला थाइलेकोइड। ओके थाइलेकोइड क्या है, थाइलेकोइड वो झिल्ली वाली परतें हैं ओके, जो किसके अंदर है, मैट्रिक्स नाम के पदार्थ जो स्ट्रोमा में भरा है उसके अंदर उपस्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में, कि तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो ना उसमें डीएनए और राइबोसोम होता है। तो अगर आपको थाइलेकोइड देखना स्टूडेंट, तो ये जो आपका यहाँ पर जो है ये है, ये वाला जो जो है आपकी परते हैं ये क्या है, थाइलेकोइड। ये किसके अंदर पड़ी हुई है, ये स्ट्रोमा के अंदर पड़ी हुई है। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं ठीक है, पदार्थ होता है, तरल पदार्थ। आगे ज्ञान बोलता है द्वितीय प्रकाश निषेचन क्रिया क्या होती है, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। तो प्रकाश निषेचन के बारे में अभी देखेंगे। ज्ञान पौधों में होने वाले प्रकाश निषेचन क्रिया सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, यह क्रिया पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णन की वजह से संभव होती है। ये हम ऊपर की पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स की क्रिया क्यों होती, कैसे संभव होती है। एक क्रिया तब संभव होती है जब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का वर्ण या पिगमेंट होता है, उसके कारण संभव होती है। इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से जल लेते हैं और लेकर क्या बनाते हैं, कार्बनिक खाद्य पदार्थ। कार्बनिक खाद्य पदार्थ कौन सा, कार्बनिक खाद्य पदार्थ जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के एक प्रकार का नाम होता है ग्लूकोज, जिसका हम क्या करते हैं निर्माण पौधे करते हैं इस प्रक्रिया में। और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और ये जो है ये पूरी एक क्रिया दे रखी है, केमिकल जो आपकी क्रिया है, जो रासायनिक क्रिया है उसको इन्होंने दे रखा है। तो आइए अब कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सा है, तो कौन सा है, देखिए यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है कि यह क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया जो है ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव होती है या है। तो ये सबसे आवश्यक कोशिका अंग कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट है ठीक है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टिड के भी विभिन्न प्रकार और उनके कार्य लिखिए, तो देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि प्लास्टिड जो है वो दो प्रकार का होता है, एक क्लोरोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। तो इनके कार्य हम यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ओके। तो ये आपका प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, ल्यूको और क्रोमोप्लास्ट, यहाँ से आप, और साथ में इनके बारे में भी बता रखा है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, यहाँ से आप ये पूरा वाला पीला पोर्शन लिख सकते हैं उत्तर के रूप में दूसरे प्रश्न के रूप में। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए, तो स्टूडेंट्स इसके उत्तर के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर और आप पूरा इसके उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं विद योर केमिकल रिएक्शन, तो ये पूरा आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। और अंत में है क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है, तो क्लोरोफिल किस में होता है भाई, क्लोरोफिल आपका होता है देखिए यहाँ पर उनसे देखा, क्लोरोफिल पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल किस में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। कौन से दो कोशिकांगों में अपना डीएनए होता है, देखिए अपना डीएनए होता है किसके अंदर, पहले तो हमने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह देखिए यहाँ पर दे रखा है इसका उत्तर कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए किसमें होता है, प्लास्टिड में होता है, डीएनए के साथ में राइबोसोम भी होता है। तो ये उत्तर नंबर 4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये थे आपके प्रश्न के उत्तर और आपकी वर्कशीट नंबर 25, आशा करता हूँ आपकी जो वर्कशीट है 2 दिसंबर वाली, तो आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको पसंद आई होगी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। वर्कशीट नंबर 26 आपकी है, तो अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप हमें इसका कमेंट डाल सकते हैं। आशा करता हूँ आगे हम मिलते रहेंगे, और आपसे एक और इल्तिजा है, गुजारिश है छोटी सी, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस का, सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप हमारे वीडियो से लाभ उठा सके, बेनिफिट ले सके। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में मिलने का वादा करके स्टूडेंट्स, दोस्तों जय हिंद जय भारत।